दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा पुलिस आम आदमी के लिए खुले सड़कें। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले होली के बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेंगे दिल्ली, किसानों को फसल काट कर तैयार रहने को कहा। वहीं राकेश टिकैत ने दी बड़ी कंपनियों के गोदाम तुड़वाने की धमकी। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब होगी हल क्रांति, संसद जाकर चलाएंगे ट्रैक्टर, मुझे होगी 12 से 13 साल की जेल। वहीं राकेश टिकैत के बयान पर कृषि मंत्री बोले, किसान केंद्र की पेशकश पर विचार करें तो सरकार बातचीत को तैयार। वहीं राकेश टिकैत 8 मार्च को हो सकते हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। वहीं यूपी कांग्रेस में मची भगदड़, नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। वहीं किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के बिगड़े बोल, दिया ये बड़ा बयान। वहीं संजीव बालियान ने राकेश टिकैत पर साधा तगड़ा निशाना, बोले किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ भी नहीं। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, बोले हम असम बंगाल जाएंगे और बीजेपी को सबक सिखाने की अपील जनता से करेंगे। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा पुलिस आम आदमी के लिए खोले सड़कें। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में किसान मोर्चा ने मांग की है कि किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किए गए निर्दोष किसानों की तुरंत रिहाई की जाए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि किसानों के ऊपर किए गए झूठे केसों व उनके खिलाफ जारी किए जा रहे नोटिस को रद्द किया जाए। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से किसान अनिश्चित काल के लिए दिल्ली के आसपास धरना दे रहे हैं, लेकिन सैकड़ों किसानों और आंदोलन समर्थकों को भारत सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा जेलों में डाल दिया गया है और झूठे मामले बनाए गए हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा संघर्ष में शामिल किसानों को डराने धमकाने के लिए भेजे जा रहे नोटिस को तुरंत रोका जाना चाहिए और पहले के नोटिस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान मोर्चा की पुलिस घेराबंदी के नाम पर आम आदमी के बंद सड़कों को खोला जाना चाहिए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये सभी मांगे की है। वो अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले होली के बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेंगे दिल्ली, किसानों को फसल काटकर तैयार रहने को कहा। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली के बोट क्लब पर खेती होगी, देश भर से 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काटकर सभी तैयार रहें। संयुक्त किसान मोर्चा के एक फोन पर दिल्ली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के मिनी जाटलैंड कहे जाने वाले किरावली में बुधवार को ऐसे तल्ख तेवर दिखे। ये राकेश टिकैत की यहां पहली महापंचायत थी। इस दौरान राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अपनी जमीन बचाने का है, खेत बचाने का है। ये बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें अपने खेत या देश से प्यार नहीं होता। मौका मिलते ही इन्हें क्षेत्र और देश बदलने में देर नहीं लगती। किसान की पगड़ी पर हाथ डालने वाली सरकार को परिणाम भुगतना होगा। अब कोई जात धर्म नहीं है, केवल किसान बिरादरी है। किसान धर्म 2021 ही पहचान होगा। दिल्ली आए तो अपने खेत की मिट्टी लेकर आए, इस बार उसी से होली होगी। कानूनों की वापसी तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस वालों को भी अपनी ओर जोड़ने की कोशिश की। संबोधन के दौरान राकेश टिकैत ने भीड़ के पीछे खड़े पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये भी किसानों के बेटे हैं, इन्हीं पुलिस वालों के लिए 1.5 दशक पहले आंदोलन किया था। इनके मकान इतने छोटे होते हैं कि ये अपने परिवार और रिश्तेदारों तक को नहीं बुला पाते। इनके मकान का साइज बढ़ाने के लिए सरकार से कहा तो उसने कुछ नहीं किया, अब इसके लिए फिर से आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा, सब कुछ बेचा जा रहा है, BSNL खत्म होने के कगार पर है। यही नहीं, जिन रेल कर्मियों के दम पर रेलवे चलाई जा रही है, अगले साल तक 4.5 लाख कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी है। ये बड़े लुटेरे हैं, इनसे देश को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई कहां जा रही है, सिलेंडर डीजल पेट्रोल के दाम कहां जा रहे हैं। अगर इनके दाम बढ़ेंगे तो गांव के आदमी का किराया बढ़ेगा, माल भाड़ा भी बढ़ेगा, किसान कहां जाएगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार दिल्ली के बोट क्लब पर खेती होगी, देश भर से 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे, होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काटकर सभी तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक फोन पर सभी दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि कानूनों की वापसी तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का तगड़ा फैसला, बोले अब होगी हल क्रांति, संसद जाकर चलाएंगे ट्रैक्टर, मुझे होगी 12 से 13 साल की जेल। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आज तक संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने
कहा कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो अब की बार हल क्रांति होगी, किसान पार्लियामेंट में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे। यही नहीं, राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी की है कि उन्हें 12 साल की जेल होगी। बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास ट्रैक्टर है जैसे हम खेत में ले जाते हैं, हमारे पास कोई एसी बस नहीं है। किसान पार्लियामेंट में जाएगा और ट्रैक्टर चलाएगा, खेती करेगा। उन्होंने कहा कि अब की बार तो हल क्रांति होगी, इस साल होगी, अगले साल सर्दी में होगी या 5 साल के बाद होगी, ये नहीं पता, अभी हमने समय तय नहीं किया। किसान नेता ने कहा कि देर हम नहीं कर रहे, सरकार कर रही है, हम तो तैयार बैठे हैं कि सरकार बातचीत करे, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि किसान अब लुटेगा नहीं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत के दौरान कहा कि अब की बार हल क्रांति होगी, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां जो पार्क है वहां पर गेहूं उत्पादन करेंगे, मक्का उत्पादन करेंगे, ट्रैक्टर वहां पक्का चलेगा, सिर्फ सड़क छोड़ेंगे, फुलवारी में फसल पैदा होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि वहां जो जमीन है वही मंत्रालय को हम कामकाज दे देंगे, वह पार्लियामेंट की देखरेख में एक रिसर्च एग्रीकल्चर सेंटर होगा और वही देखरेख करेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि मुझे पता है कि इसके बाद मुझे 12 से 13 साल की तिहाड़ जेल में रहना होगा, लेकिन कम से कम किसान तो आजाद हो जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुकदमा लगेगा तो हमें जेल में रहना होगा, यही कानून है। उन्होंने कहा कि तारीख में नहीं बताऊंगा, तारीख संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। आपको बता दें कि किसान नेता ने कहा कि दिल्ली में जब जरूरत होगी तो चले जाएंगे, हम दिल्ली में ही तो बैठे हुए हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए हम वहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो पूरे देश में जाएंगे, कर्नाटक भी जा रहे हैं, तेलंगाना भी जाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि इस बार तो हल क्रांति होकर रहेगी, यदि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक कर शेयर जरूर करें। वाली बड़ी खबर, राकेश टिकैत 8 मार्च को हो सकते हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए 8 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता के खिलाफ अनूपपुर जिला अदालत ने पूर्व में अरेस्ट वारंट जारी किया है। यदि राकेश टिकैत मध्य प्रदेश आते हैं तो संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि दरअसल अनूपपुर जिले के चैतहरी में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट के निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहण किए जाने के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया गया था। आपको बता दें कि जिसमें राकेश टिकैत सहित 114 लोगों को आरोपी बनाया गया था, सभी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय से सभी को जमानत मिल गई थी। नियमानुसार न्यायालय द्वारा दी गई पेशी की तारीखों में सभी आरोपियों को उपस्थित होना था, लेकिन राकेश टिकैत वर्ष 2016 से ही पेशी से अनुपस्थित हैं। इसकी वजह से न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि यदि राकेश टिकैत मध्य प्रदेश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वाली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा फैसला, बोले यदि किसान केंद्र सरकार की पेशकश पर विचार करें तो सरकार बातचीत को तैयार। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन पिछले करीब 3 महीने से जारी है। किसान नेता आंदोलन को और तेज करने के लिए कई राज्यों में महापंचायतें भी कर रहे हैं। इस बीच आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान संगठन कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर विचार करें तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयान पर नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान और किसानी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह किसानों की आय को दोगुनी करने और भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास कर रही है या नहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा कर रही है। आज भी हम जब उनका कोई मत विचार आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान संगठन कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर विचार करें तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। वाली बड़ी खबर, संजीव बालियान ने राकेश टिकैत पर साधा तगड़ा निशाना, बोले किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ भी नहीं। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि यदि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस
वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। राकेश टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे। इंडिया गेट का पूरा इलाका अपने कब्जे में लेंगे। वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे और फसल बोएंगे। राकेश टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरीके से लाल किले का अपमान हुआ वो बेहद निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। बड़ी बड़ी खबर, योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। बोले हम असम और बंगाल जाएंगे और बीजेपी को सबक सिखाने की अपील जनता से करेंगे। ये आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने इन दावों को गलत बताया कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कैमरे का फोकस कहीं और है, बस आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। योगेंद्र यादव ने कहा ये सरकार वोटों की भाषा ही जानती है, इसलिए हम असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां की जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान के सीकर में किसानों की महापंचायत बेहद सफल रही। सरकार आंदोलन को दबाने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन फैलता जाएगा। आंदोलन का विस्तार तेजी से देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। किसान आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े हैं। योगेंद्र यादव ने माना कि किसान आंदोलन से कुछ वक्त सहानुभूति कम हुई थी लेकिन बाद में सच सामने आ गया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने दाग धो दिए और एकाएक गाजीपुर में बाजी पलट गई। योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन में राकेश टिकैत का बड़ा योगदान है और विरोध प्रदर्शन के चौथे चरण में चुनौती है कि कैसे देश-देश के कोने में ये आंदोलन पहुंचे। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कहा कि इस सवाल को बड़े पैमाने पर उठाना है और इसको लेकर साजिश के भंडाफोड़ का अब समय आ गया है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी वोटों की भाषा ही जानती है, लिहाजा हम असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां की जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील करेंगे। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों की सच्चाई बताने के लिए किसान संगठन ले रहे श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का सहारा। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसान संगठन अब भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का सहारा ले रहे हैं। गांव में होने वाली भागवत कथा और सत्यनारायण की कथाओं के आयोजन में अब किसान नेता पहुंचने लगे हैं। इनके जरिए वे कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान को लोगों को खुलकर बता रहे हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने अपने इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांव से की है। राज्य के जिस भी जिलों के गांव में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है वहां किसान नेता पहुंचेंगे। भागवत कथा के पहले और बाद में वे कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान को सभी छोटे किसानों को समझाएंगे। इसके अलावा वे लोगों से आंदोलन से जुड़ने की भी अपील करेंगे। वो अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान ने बढ़ा दी कांग्रेस की मुश्किलें। राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवाल। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 15 वर्षों के लिए मैं उत्तर भारत से एक सांसद था, मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने पर मुझे अलग तरीके का अनुभव हुआ क्योंकि मैंने अचानक पाया कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और न केवल सतही तौर पर बल्कि मुद्दों की सतह तक जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान अब कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया है। केरल की धरती पर उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का बयान देना राहुल गांधी की सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर उन्होंने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। बांटो वे राज करो की बरसों पुरानी नीति वाला ये बयान कांग्रेस को सत्ता में लाने की बैसाखी बनेगा या फिर रही सही लुटिया डुबोने वाला साबित होगा। ऐसे सवाल कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे वक्त पर उनके इस बयान को ये कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता कि उनकी जुबान फिसल गई है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस में मची भगदड़, नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी है। गुटबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव ब्रह्मस्वरूप सागर ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सागर, जिन्हें महत्वपूर्ण संगठनात्मक असाइनमेंट दिया गया था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा में एक किसान महापंचायत को संबोधित कर रही थी उस दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सागर पहले बहुजन समाज
पार्टी में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन सागर को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों ने बताया कि पलायन के लिए पार्टी की दल बदलू पर बढ़ती निर्भरता जिम्मेदार है। पार्टी के एक असंतुष्ट नेता ने कहा, ये ट्रिक जल्द ही अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ जाएगी। नेताओं को अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता है, क्योंकि नेतृत्व के साथ कोई संवाद नहीं है और कामकाज पूरे तरीके से केंद्रीकृत हो गया है। प्रियंका गांधी केवल अपने करीबियों की सुनती हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस से अलग हुए नेता ऐसे हैं जिनका अन्य दलों से स्वागत किया गया था। आपको बता दें कि अब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। वो अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोली, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उससे भी बुरा होगा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना साधते हुए उन्हें सबसे बड़ा दंगाबाज करार दिया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी किस्मत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरी होगी। हुगली जिले के शाहगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दंगाबाज हैं। ट्रंप के साथ जो हुआ है उनके साथ उससे भी बुरा होगा। हिंसा से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव में गोलकीपर रहूंगी और भाजपा एक भी गोल नहीं कर पाएगी। सभी शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से चले जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दंगेबाज हैं। ट्रंप के साथ जो हुआ है उनके साथ उससे भी बुरा होगा। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बिल विधानसभा से पास, विपक्ष की मांग नामंजूर कर ध्वनिमत से किया गया पारित। ये आपको बता दें कि लव जिहाद के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यूपी विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को सदन के पटल पर विचार के लिए रखा गया था। विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी करके लड़कियों की शादी की जा रही है, जिस पर हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि जिस पर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बिल विधानसभा से ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं और आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून या तो समाप्त हो जाएं या फिर जल्दी से कोई हल निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।